तो हेलो एवरीवन। और यार आज की इस वीडियो में यार हम लोग बात करने वाले हैं अपने ट्रक मास्टर्स इंडिया के अपकमिंग अपडेट और यहाँ पर उसकी रिलीजिंग डेट के बारे में। और वीडियो के अंत तक यहाँ पर मैं आपको सब कुछ बता दूंगा कि गेम में आगे आपको क्या क्या अपडेट देखने को मिलने वाला है और इस अपडेट की रिलीजिंग डेट क्या होने वाली है। तो मेक श्योर आप वीडियो को एंड तक वॉच करना, ये वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। वीडियो को आप कर देना लाइक, और अगर आपकी हमारी ये पहली मुलाकात है इस चैनल पे तो मेक श्योर आप चैनल को सब्सक्राइब कर देना। लेट्स स्टार्ट। तो भाई गेम के अंदर इस बार यहाँ पर कई सारे बग्स को यहाँ पर फिक्स किया जाने वाला है। जैसे कि पहला बग यहाँ पर मैं आपको दिखा दूं अपने मेन यूआई के अंदर, जैसे कि हम ऑल पर क्लिक करते हैं और अगर हम चाहते हैं कि हमें वाराणसी की सारी जॉब्स दिख जाए तो यहाँ पर हमें वाराणसी की जॉब्स नहीं दिखती हैं। फिल्टराइजेशन इसे कहते हैं, यहाँ पर वर्क नहीं कर रहा है। जैसे अगर हम फिरोजाबाद की जॉब ढूंढना चाहें तो फिरोजाबाद की मिल रही है, लेकिन यहाँ पर प्रयागराज की हम ढूंढना चाहें तो प्रयागराज की नहीं मिलेगी। तो कुछ कुछ सिटीज की हम स्पेसिफिक जॉब अगर हम यहाँ पर सेलेक्ट करना चाहते हैं तो वो जॉब यहाँ पर सेलेक्ट नहीं हो रही है। दूसरा बग आपको देखने को मिलेगा अपने गेम के अंदर, यानी कि जब आप अपनी ट्रक को ड्राइव करते हो तो यहाँ पर आप अपने रेडियो ऑप्शन को नहीं यूज कर पाते हो। यानी कि जब आप अपने रेडियो पर क्लिक करते हो तो वहां पर सिर्फ लोडिंग लिख के आ रहा होता है और हमारा जो रेडियो है वर्क नहीं कर रहा होता है। साथ ही साथ अगर आप रूट में चारों तरफ देखोगे तो आपके जो रूट के ऑब्जेक्ट्स हैं वो यहाँ पर फ्लिकर कर रहे होते हैं, यानी कि मतलब मिसबिहेव कर रहे होते हैं, उनको भी यहाँ पर फिक्स किया जाएगा। तो काफी सारे बग्स हैं गेम के अंदर जो कि आ गए, उनको यहाँ पर फिक्स करना बाकी है। और यहाँ पर और सारे जो ऑप्टिमाइजेशन है और जो परफॉर्मेंस है उनको यहाँ पर फिक्स किया जाएगा। जो इनका नया अपडेट आया था इसमें यहाँ पर जो इनके जो ग्राफिक्स है उन पर भी थोड़ा सा इफेक्ट पड़ा है, तो ग्राफिक्स को दोबारा से अच्छे से सही किया जाएगा, उसके बाद यहाँ पर इसको रिलीज किया जाएगा। अब बात करते हैं कि इसकी रिलीजिंग डेट क्या होने वाली है। तो भाई जो अल्फा अपडेट है वो यहाँ पर प्ले स्टोर पर पड़ा है रिव्यू के लिए काफी दिन से, और ये जो अपडेट है ये 2 से 3 दिन में अल्फा के लिए रिलीज हो जाएगा, यानी कि मेरे हिसाब से कल परसों तक ये रिलीज हो जाएगा और उसके बाद ही उसी के अगले दिन इसको पब्लिकली रिलीज कर दिया जाएगा अगर कोई बग यहाँ पर नहीं निकलता है। तो ये थी यहाँ पर रिलीजिंग डेट जो कि मैंने आपको बता दिया। अगर आपको नहीं थोड़ा सा मैंने जल्दी बोला तो आप रिवर्स करके देख सकते हो, क्योंकि हर दिन की दूसरी वीडियो तो थोड़ा बहुत जल्दी यहाँ पर हो रहा है। तो मिलता हूँ मैं आपसे ऐसे किसी और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।